एक बार फिर सभी को मेरा जय हिंद। तो कहते हैं एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। विपत्ति का साथी कोई नहीं, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, विपत्ति का साथी कोई नहीं। इसीलिए इन चंद शब्दों के साथ आज हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ब के ऊपर में। जी हाँ, वर्ब। वर्ब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और वर्ब से ही रिलेटेड आज हम लोग क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल में पहले वर्ब के ऊपर वीडियो दे चुका हूँ। उसमें मैंने पढ़ा चुका है कि वर्ब क्या है, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, दो प्रकार के वर्ब होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये वर्ब में टेलर्स, एक वर्ब से हमें क्या पता लगता है। जैसे कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन और एक थिंग क्या कर रहा है वो कैसे पता लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, सोनी सिंग। तो इस वाक्य में पर्सन क्या है, गा रहा है। ऑटोमेटिक पता लग जा रहा है वर्ब से हमें, वर्ब से हमें पर्सन के बारे में ऑटोमेटिक पता लग जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बॉयज रन क्विकली। तो लड़के, देखिए बॉयज रनिंग, रन यहां पर दिया हुआ है। तो वर्ब से हमें पता लग रहा है इस सेंटेंस में कि द पर्सन और थिंग व्हाट डज, वो क्या कर रहा है। दूसरा देखिए, सेकेंड नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। अब इस ये जो सेकेंड कैटेगरी है, इसमें बात हो रहा है कि एक पर्सन और थिंग के साथ क्या किया जा रहा है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, द चेयर इज ब्रोकन, यानी कि चेयर इज ब्रोकन, वो चेयर टूट गया है, तोड़ा गया। राजू इज पनिश्ड, देखिए तो उस आदमी को दंड दिया गया, राजू को पनिशमेंट दिया गया है कि नहीं। तो सेकेंड नंबर के कैटेगरी से हमें ये साफ पता लग जा रहा है कि उन लोगों के साथ, यानी कि चेयर के साथ और यानी कि राजू के साथ क्या हो रहा है, पर्सन और थिंग के साथ क्या हो रहा है। तो यानी कि ये ब्रोकन, तोड़ा गया चेयर को और राजू को पनिशमेंट दिया गया। तीसरा नंबर का सेंटेंस देखिए, इंटरेस्टिंग है। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, वो पर्सन और थिंग क्या है। द कैट इज डेड, वो किस सिचुएशन में, भैया तो बिल्ली मर गया है, द कैट इज डेड। ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास के क्या है, टूट गया है। तो उसका प्रेजेंट ऑफ स्टेट, वो किस हालत में, इज इज दिया हुआ है, वो किस सिचुएशन में है। थर्ड नंबर सेंटेंस में ये जिक्र हो रहा है। सेकंड नंबर सेंटेंस में उसके साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज डन और व्हाट ए पर्सन डज, और पहला वाला में क्या है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहला वाला आप लोग कह सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वर्ब में भी ये तीन कैटेगरी आपके लिए हो जाएगा कि पहला वाला क्या है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट डज, दूसरा क्या है व्हाट इज डन, और तीसरा क्या है व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, वो क्या है। तो जैसा आप लोगों को बता रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं दो प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब, ऐसा वर्ब
जो अपने वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाता है अपने वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, वैसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अपना अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। दैट मीन्स द वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, द वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमेशा वैसा वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट को लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करता है ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाता है। क्लियर है ट्रांजिटिव वर्ब की? ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपको भैया ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश, पाताल, भूकंप, भूचाल, ऑब्जेक्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है उदाहरण देखिए, बहुत मजेदार उदाहरण है। द मैन किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? किल्ड, मारना, किल्ड। तो क्या मारा? किसको? ए स्नेक को मारा। तो तुरंत हम लोग यहाँ पर क्या लगाए? ऑब्जेक्ट लगाए और ये बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? द बॉय ओपन द विंडो, ओपन क्या है हम लोग का? वर्ब है। उसके बाद क्या लगाए? ऑब्जेक्ट लगाए, द विंडो। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस भी क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। उसके बाद तीसरा क्या है? नीलू मेड ए डॉल, मेड क्या हो गया हम लोग का? वर्ब हो गया। ए डॉल क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको इसमें लगा ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। तो बहुत इजी है ट्रांजिटिव वर्ब बनाना, ऑब्जेक्ट लगाइए अपने वर्ब के बाद और ट्रांजिटिव वर्ब बनाइए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये तो क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। दो नंबर में देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, कहता है ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर, ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का दरकार पड़ता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का दरकार नहीं पड़ता है। डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दरकार नहीं पड़ता है। टू कंप्लीट इट्स सेंस, माने वाक्य में जो सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का हमें कोई दरकार नहीं है। बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम लोग इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तो इन वाक्यों का जो अर्थ है वो स्पष्ट रहेगा। तो वैसे वाक्य देखिए, कहते हैं वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, क्या करता है? ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बट ट्रांजिटिव वर्ब में ठीक इसका विपरीत है, पहले पढ़ा चुके हैं कि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, अपना वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाता है और अर्थ को स्पष्ट करता है। बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में केस जो है बिल्कुल उल्टा है, इसको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट का दरकार नहीं है। उदाहरण तो हम देखेंगे और समझेंगे, उदाहरण भी इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए द मैन डाइड, सिंपल, सामने सब्जेक्ट है, पीछे वर्ब है, सेंटेंस कंप्लीट है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस कंप्लीट, कुछ नहीं। द मैन सब्जेक्ट डाइड वर्ब, इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, द गर्ल स्माइल, सेम, सब्जेक्ट वर्ब, क्या बन गया? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। थर्ड सेंटेंस द सन, यूनिवर्सल, द सन, साइंस, वर्ब लगाए, चमकना, साइंस, क्या बन गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए बहुत सीधा और सरल तरह का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन गया आपका वाक्य, है ना? कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद एक इंट्रांजिटिव वर्ब दिए, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा वाक्य तैयार हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग को देना चाहेंगे, ये नोट में हम लिख दिए कि व्हाट और हुम दो शब्द है, नंबर वन इज व्हाट एंड नंबर टू इज हुम। ऐसा कोई भी सेंटेंस को अगर आप प्रश्न कीजिएगा व्हाट और हुम से, अगर उसका आंसर आता है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी सेंटेंस को अगर हम लोग व्हाट और हुम के साथ प्रश्न करेंगे, उस सेंटेंस से पूछेंगे व्हाट लगा के, उस सेंटेंस से पूछेंगे हुम लगा के, अगर उसका जवाब आ जाएगा तो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब।
वेरी सिंपल। आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज का पढ़ाई किए हैं, नंबर वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर टू इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद आगे और भी विस्तार में हम लोग बात करेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, इसको आप लोग अध्ययन कीजिए। पहले हम वर्ब के बारे में पढ़ा चुके हैं कि वर्ब क्या है, अगर इसका वर्ब का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वर्ब का वीडियो को पहले जाके देखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आइए मेरे इस ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में। तब तक ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से आप सबको एक बार मेरा जय हिंद।